आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हाथों पर मेकअप करना सिखाऊंगी कि आप अपने हाथ पर प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं आई मेकअप की, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में जो फेस करनी पड़ रही थी यही थी कि हम प्रैक्टिस किस पर करें, क्योंकि ना उनके पास कोई डमी है जिस पर वो प्रैक्टिस कर ले और प्रैक्टिस करने के लिए कोई अपनी आंखें भी नहीं देता। तो जिन लड़की ने मुझसे कहा था कि हम आई मेकअप अपने हाथों पर किस तरह कर सकते हैं, कोई वीडियो शूट करके आसान सी हमें समझा दे, सो आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। और बहुत सी ऐसी गर्ल्स है ना कि वीडियो स्टार्ट करते ही सवाल पूछने लग जाती है और वीडियो पूरी नहीं देखती, जबकि उनके सवाल का जवाब ऑलरेडी उसी वीडियो में मौजूद होता है। तो उन लड़की से मेरी गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी नई व्यूवर से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और इसके अलावा अगर आपने हमारा मेकअप कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जो इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। हमारे कोर्स की प्ले लिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हमने आपको बिल्कुल जीरो से सिखाना शुरू किया है कि आईज के कितने पार्ट्स और कौन से पार्ट्स पे कौन से कलर सप्लाई किए जाते हैं। अब आप लोग का बिना कीमती वक्त जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को ड्रॉ करूंगी। इसके लिए मैंने ली क्रिस्टाइन की फेस कंटोरिंग पैलेट नंबर 01। आपकी आसानी पे यहाँ पर मैं लगाऊंगी 3 डॉट्स। सबसे पहले जो मैं डॉट लगा रही हूँ वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमारी आईब्रोज स्टार्ट होंगी। सेकंड डॉट जो मैं लगाऊंगी वो होगा हमारा मिड पॉइंट यानी कि आर्च। आई होप आपको आईब्रो की शेप समझ आ रही होगी। और ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हिस्सा हमारा थोड़ा छोटा होता है। ये जो आर्च से स्टार्ट होकर जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। 3 डॉट्स हमने लगा लिए हैं। अब हम इन तीनों को आपस में कुछ इस तरह मिलाएंगे कि हमारी आईब्रोज की शेप आ जाए। ब्राउन कलर के साथ मैं इसको फील कर रही हूँ। और इसके अलावा हम अपने आईब्रोज का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा थिक रखेंगे और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा थिन होगा। और इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने आईब्रोज किस शेप में बनानी है। मुझे आर्च पसंद है इसलिए मैं आर्च बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको राउंड या स्ट्रेट पसंद तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम जरा नेचुरल आईब्रोज की शेप देंगे, जिस तरह हमारी नेचुरल आईब्रोज होती है, लाइक जैसे कि हमारे स्ट्रोक होते हैं। यहाँ पर मैं ब्राउन पेन लाइनर यूज कर रही हूँ स्ट्रोक्स के लिए। पेन लाइनर से जरा फिनिशिंग से बनेगी, आप चाहें तो पेन लाइनर से बना लें, नहीं तो आप केक लाइनर भी यूज कर सकते हैं। इसी के ऊपर हम वो भी यूज करेंगे, आगे आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ। एक एक हम बाल की शेप दे रहे हैं, जिस तरह हमारा एक एक बाल निकल कर आता है। और यही हमारी आईब्रोज डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करी क्रिस्टाइन का ब्लैक केक आई लाइनर, और ब्रश मैंने लिया है आई लाइनर ब्रश ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईब्रोज के बालों को थोड़ा तिरछा कर लिया है, मतलब स्ट्रेट नहीं होते हमारे आईब्रोज के बाल। हमारे नेचुरल हेयर्स भी इसी तरह निकलते हैं हमारे आईब्रोज के, सो हम इसको भी इसी तरह बनाएंगे ताकि नेचुरल इफेक्ट्स आ सके। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी आईब्रो बन गई है। पॉसिबल है जब आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपको ये मुश्किल लगे। इस मामले में मैं यही कहूंगी कि कोई भी काम मुश्किल हो सकता है मगर नामुमकिन नहीं। अच्छा जी, अब हम अपने आईब्रोज को नीट करेंगे ब्रो बोन एरिया से। इसके लिए जो मैं स्टिक यूज करी हूँ वो है क्रायलोन की टीवी पॉइंट स्टिक, इसका नंबर है F1। और इसके लिए हम फ्लैट ब्रश यूज करेंगे। जो फ्लैट ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो है जोइवा का। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी नीट हो गई है। अब हम फ्री हैंड के साथ अपनी रफ सी आई शेप देंगे और हम इसको इस तरह शेप देंगे कि हमारी आई झुकी हुई है, यानी कि जैसे कि हमारी आईज बंद होती हैं। जिस तरह हम लाइनर अप्लाई करते हैं इसी तरह मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए कि हमें किस जगह काम करना है। और अब हम बनाएंगे अपने लैशेस। लैशेस ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं। जैसी आपको शेप पसंद हो आप उस तरह की ड्रॉ कर लें। जिस तरह हमने आईब्रो का एक स्ट्रोक बनाया इसी तरह हम अपने लैश का भी स्ट्रोक बनाएंगे। इस पर आपने बारीक लाइनर से काम करना है, यानी कि जो आपका ब्रश हो वो ज्यादा थिन होना चाहिए, क्योंकि बारीक ब्रश से एक एक लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ होगी। थोड़ी थिक सी मैं अपनी लैशेस बना रही हूँ, उसी के ऊपर मैं बार बार ड्रॉ करने से हमारी लैश जो है ना कितनी अच्छे से ना थिक हो गई है। और मैं विंग टाइप आई लैशेस की शेप दे रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी सफाई से हमारी लैशेस बन गई हैं। यहाँ पर हमारी आई की प्रॉपर शेप्स आ गई हैं। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। और मैं जो आई शेडो पैलेट यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने पिक किया है मैट पिंक कलर। सबसे पहले हम करेंगे अपना क्रीज एरिया डिफाइन, और इसको ना सॉकेट एरिया भी कहते हैं, जिसे मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा उनको तो मालूम ही होगा। इसको हमने इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक पूरा एक राउंड शेप में अप्लाई कर लिया है। ये जो पिछला कलर आपको दिख रहा है इसको मैं ना पिंक के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, और स्लोली स्लोली मैंने इसको ब्लेंड किया था। ये वीडियो स्पीड में इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं स्पीड में काम कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंड कितना अच्छे से किया है कि दोनों कलर्स की कोई भी शार्प लाइन नहीं दिख रही और दोनों कलर्स आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, और कितना स्मूथ लुक आ रहा है हमारी ब्लेंडिंग का। और अक्सर लड़कियां यही गलती करती हैं कि बस कलर्स उठाए और उसको अपनी अपनी जगह पर रख दिया और ब्लेंडिंग नहीं करती, इसी वजह से उनका ना स्मूथ लुक नहीं आ पाता मेकअप में। और इसी कलर्स को मैंने साइड पर अप्लाई कर लिया क्योंकि जो हमारी नोज की कंटूरिंग का हिस्सा होता है ना उसका इफेक्ट आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग के बाद हमारा पिंक कलर बहुत ज्यादा लाइट हो गया है, तो इसको मैं अगेन रिटच कर रही हूँ। इतना डार्क लाइट आपने करना अपने हिसाब से आप कर लें। मेकअप में ऐसा होता रहता है कि हमें बार बार रिटचिंग की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा आप 100% जब तक शोर ना हो तब तक आप इसे रिटच कर सकते हैं। और इसके बाद में लगाऊंगी मेटेलिक ग्रीन कलर। इस कलर को मैं अपनी इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक पूरी आईलिड पर अप्लाई करूंगी, लेकिन इसको आपने बड़ी फिनिशिंग के साथ अप्लाई करना है, स्पेशली सॉकेट एरिया की तरफ से। जिस तरह सॉकेट एरिया राउंड शेप में होता है इसी तरह हम इसको नीटनेस के साथ अप्लाई करेंगे। और मेकअप का सारा दारोमदार सफाई पर होता है, जितनी सफाई से आप काम करेंगे उतना ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सफाई से हमारा आई मेकअप हो गया है। यहाँ पर मैं अपने लाइनर को दोबारा रिटच कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर शो हो सके, क्योंकि आई शेड अप्लाई करने के बाद ये थोड़ी सी हाइड हो गई है।
और आउटर साइड में डेप देने के लिए आईलाइनर ही अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह हमने लाइनर अप्लाई कर रखा है आउटर कॉर्नर पर, इसी तरह अंदर की जानी ब्लाइंड डोज करूंगी एक्स्ट्रा। और एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, लाइनर को सिर्फ मैं अंदर ही अंदर अप्लाई कर रही हूँ, आउटर साइड से बाहर की जानी नहीं लेकर जा रही। लेकिन ये भी जरा आपने फिनिशिंग के साथ करना है। और ये जो हमने लाइनर अप्लाई किया था आउटर साइड पे, इसको ही मैं स्मच कर दूंगी, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का हल्का सा मुझे स्मच करना है। और ऐसा स्मच बिल्कुल नहीं करना कि हमारी लाइन बिल्कुल हाइड हो जाए। अब हम लगाएंगे स्पार्कलिंग ब्रश, इसके लिए लिया है मैंने मिस रोज का सीलर। इसको मैं अपनी पूरी ग्रीन कलर पर अप्लाई करूंगी। इसको आपने ध्यान से अप्लाई करना है, जिस तरह हमारी शेप इसी तरह इसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको जहां जहां हम अप्लाई करेंगे वहीं वहीं हमारी स्पार्कलिंग ब्रश चिपक जाएगी। अब हम सिंपल अपने स्पार्कलिंग ब्रश पिक करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। स्पार्कलिंग ब्रश का नंबर आगे आपको शो करती हूं। यहां पर मैं स्पार्कलिंग ब्रश जस्ट पिक करके इसको हल्का सा प्रेस कर रही हूं जहां पर मुझे अप्लाई करना है। ये इजीली चिपक रही है। और डस्ट को ही मैं सिर्फ अपने ग्रीन एरिया पे ही अप्लाई कर रही हूं, उससे बाहर नहीं लेकर जा रही। यहां पर जो मैं स्पार्कलिंग ब्रश यूज कर रही हूं वो है क्रिस्टीन की, इसका नंबर है 164 और ये ग्रीन कलर की है। और ये जो डस्ट होती है ना, ये मोटे मोटे चंक्स की तरह नहीं होती, ये बहुत ज्यादा डस्ट नुमा होती है, जैसे हमारे डस्ट नहीं आ जाती घरों में, बहुत बारीक सी। और इसका टेक्सचर ना बहुत ज्यादा फाइन होता है। तो नेक्स्ट हम लगाएंगे काशी इसका ग्रेस एंड ग्लैमर हाइलाइटर, इसका शेड है आइस क्वीन। इसमें हम हल्का सा वाटर ऐड करके थिक सा पेस्ट बनाकर अप्लाई करेंगे। अक्सर आपने वीडियोस में मुझे देखा होगा कि मैं इसको किस तरह अप्लाई करती हूँ, किस तरह इसका पेस्ट बनाती हूँ। इसको हम ब्रो बोन से लगाते हैं, आउटर साइड पे ले जाते हैं और इनर साइड पे बहुत ही लाइट सा मैं यहाँ पर मामूली सा अप्लाई करूंगी। और इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। जब ये ड्राई सा हो जाए तब आप इसको फिंगर की मदद से हल्का हल्का सा ब्लेंड कर ले। जैसे ही हम इसको ब्लेंड करते जा रहे हैं इसकी हार्श लाइन खत्म होती जा रही है और स्मूथ लुक आ रहा है। यहाँ पर मैंने सेम पिच कलर से एक मरतबा फिर से रिटचिंग कर ली है ताकि फिनिशिंग से एक लुक आ जाए। सो ये है हमारा आज का फाइनल मेकअप लुक। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।